दोस्तों, कई किरदार ऐसे होते हैं जो हमारे दिमाग में एक छाप छोड़ जाते हैं और उन किरदारों को इतना मजबूत बनाते हैं उन्हें निभाने वाले कलाकार। तुझे गले लगाते ही माँ के कलेजे को ठंडक पड़ गई। ऐसे कलाकार जिन्हें किसी भी तरह का रोल दे दिया जाए, फिर चाहे वो किसी हीरो हीरोइन का हो या किसी विलन का, या फिर कोई छोटा मोटा साइड रोल ही क्यों ना हो, वो उन छोटे रोल्स में भी जान डालकर फिल्म में चार चांद लगा देते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक अदाकारा की जिन्होंने हर किरदार में जान डालकर दर्शकों का दिल जीता है। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस सुषमा सेठ की, जिन्होंने 1950s से अपने करियर की शुरुआत की। सुषमा सेठ का जन्म 20 जून 1936 को दिल्ली में हुआ था। ये स्टेज टेलीविजन फिल्म्स की जानी मानी अदाकाराओं में से एक हैं। सुषमा ने 1978 में जुनून फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था। सुषमा सेठ ने ज्यादातर माँ और दादी के किरदार निभाए हैं और उन्हीं किरदारों से लोकप्रियता भी हासिल की। इन्होंने 1984 में आए टीवी शो हम लोग में दादी का किरदार निभा के दर्शकों के दिल में एक अलग ही पहचान बनाई थी। सुषमा दिल्ली में ही पली बड़ी हैं और ये मणिपुर डांसर चरू सिजा माथुर की बड़ी बहन है। इन्होंने बिजनेसमैन ध्रुव सेठ के साथ शादी की और इनके 3 बच्चे हैं। सुषमा ने अपनी स्कूलिंग कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी न्यू दिल्ली से की। फिर इन्होंने दिल्ली के ही लेडी लिरविन कॉलेज से होम साइंस में टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा किया। इतना ही नहीं, इन्होंने न्यूयॉर्क के ब्रियारक्लिफ कॉलेज से एसोसिएट इन साइंस में डिप्लोमा भी किया। सुषमा इतना पढ़ने के बाद भी रुकी नहीं। इसके बाद उन्होंने पिट्सबर्ग यूनाइटेड स्टेट्स के कैर्निज मेलॉन यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कम्प्लीट किया। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्होंने 1950 में स्टेज से अपने करियर की शुरुआत की। सुषमा सेठ 1964 में बने दिल्ली बेस्ड थिएटर ग्रुप यात्रिक के फाउंडर्स में से एक हैं। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, इन्होंने काफी सारे प्लेज में डायरेक्शन का जादू भी दिखाया। इसके बाद इन्होंने 1970 में बच्चों के लिए क्रिएटिव थिएटर की शुरुआत की थी, जिसमें बच्चों के लिए वर्कशॉप्स और प्लेस का आयोजन किया गया। इतना काम करने के बाद 1978 में आई फिल्म जुनून से इन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा, जिसमें इन्होंने शशि कपूर की आंटी का रोल निभाया था। इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्म्स दी, जैसे सिलसिला, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, चांदनी, दीवाना, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, और इन्हें पंजाबी मूवीज में भी काम करने का मौका मिला। इनके जरिए निभाए गए हर किरदार लोगों को बेहद पसंद आए। 1985 में आई फिल्म तवायफ के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। सुशील ने ऋषि कपूर, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, प्रीति जिंटा और कई बड़े बड़े स्टार्स की माँ और दादी का किरदार निभाया है। इतनी फिल्म्स में काम करने के बाद सुषमा ने 1993 में टीवी शो देख भाई देख में भी काम किया था। गोपाल बजाज, मनीष जोशी, बिस्मिल जैसे बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया था। 80s के दौरान टीवी शो हम लोग में इन्होंने दादी का किरदार निभाया था, जिसमें इन्हें थ्रोट कैंसर से पीड़ित दिखाया गया था। उनका ये रोल दर्शकों को इतना पसंद आया कि दर्शकों की डिमांड पर उनके रोल को एक्सटेंड किया गया था। सुषमा सेठ सन 2000 से अर्पणा डायरेक्टिंग प्लेस एंड डांस ड्रामास नाम के एनजीओ के साथ काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला की जिंदगी से प्रेरित होके एक प्ले लिखा, जिसका नाम है सितारों के पास। 2018 में Z5 पे मेहराम नाम की एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें सुषमा ने नूर बीबी का किरदार निभाया था। सुषमा जी की जिंदगी का सफर देखकर कोई भी इंस्पायर हो सकता है। सुषमा सेठ जी इतनी मेहनती थीं कि कभी भी रुकी नहीं। एक्टिंग के प्रति उनका प्यार इतना गहरा है कि इतनी उम्र होने के बाद भी वो एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं। इन्होंने एक्टिंग से जुड़े सभी रास्ते, जैसे डायरेक्शन, थिएटर, फिल्म्स, टीवी, ट्रेनिंग, सभी में अपना हाथ आजमाया और सफलता भी हासिल की। सुषमा जी कई लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। दोस्तों, सुषमा जी की ही तरह और भी कई सारे कलाकारों की बायोग्राफी देखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट बायोग्राफी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल की बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपसे हमारा कोई भी बायोग्राफी वीडियो मिस ना हो सके। इसी के साथ अब हम लेना चाहेंगे आपसे इजाजत। शुक्रिया।